हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटिंग आमला सोप बनाएंगे। ये सोप आपकी स्किन को नेचुरली लाइट एंड ब्राइटन और वाइटन बनाएगी, साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, सनटैन और पिगमेंटेशन को भी रिमूव करेगी। ये आपकी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर आपकी स्किन को डीप क्लेंस करेगी। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखाई देने लगेगी। तो आइए इस अमेजिंग सोप को बनाना शुरू करते हैं। आंवला सोप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लीन बोल में ये 1 चम्मच आंवला पाउडर लेंगे। आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, इसलिए ये हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाता है। ये हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिमूव कर हमारी स्किन टोन को भी इवन बनाता है और साथ ही हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारी स्किन को डीप क्लेंस भी करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारी स्किन को ठंडक तो देता ही है, साथ ही हमारी सन डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल हमारी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और सपल बनाता है और साथ ही हमारे साइंस ऑफ एजिंग जैसे कि फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 7-8 ड्रॉप्स वाइटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे। वाइटामिन ई ऑयल हमारी स्किन पर ग्लो लाता है और साथ ही हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। और अब हम लास्ट में इसमें 7-8 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड करेंगे। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हमारे एक्ने और पिंपल्स को तो क्योर करता ही है, साथ ही हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। तो यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा आंवले का पेस्ट बनकर एकदम तैयार है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो ये मैंने 60 ग्राम के करीब ग्लिसरीन सोप पेस्ट ले लिया है। ये आपको ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाएगा और इसे परचेस करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम इसे इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि हमारी सोप बेस इजीली मेल्ट हो जाए, या फिर आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, उससे भी सोप बहुत ईजिली मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सोप बेस को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नेक्स्ट, सोप को सेट करने के लिए मैंने एक सिलिकॉन का सोप मोल्ड लिया है। ये भी आपको ऑनलाइन बहुत ही ईजिली मिल जाएगा और इसे परचेस करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम एक भगोने में पानी लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। और जैसे ही पानी में उबाल आएगा, हम इसमें सर एक पैन रखेंगे और इसमें ये कट करा हुआ सोप बेस डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इसे चम्मच से इस तरह लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो यहाँ मैं सोप बेस को डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से मेल्ट कर रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो इसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में रखकर भी मेल्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि हमें इसे डायरेक्ट गैस पर मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ आप देखिए, हमारी सोप बेस अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ये आंवले का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे भी सोप बेस में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यह मिक्सचर डालने के बाद ध्यान रखें कि हमें इसे बहुत देर तक नहीं चलाना है, हमें इसे जस्ट मिक्स करना है। तो ये मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए, हमारा सोप का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे तुरंत ही सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सोप बहुत जल्दी सेट होने लगती है। तो ये मैंने मिक्सचर को सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी सोप अच्छे से सेट हो जाए। तो ये लगभग 1 घंटे बाद मैंने सोप मोल्ड को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। तो अब हम सोप को इस तरह डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ आप देखिए, हमारी सोप कितनी स्मूथ बनी है और कितनी ईजिली बाहर निकल आई है। ये आंवला सोप आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही ज़्यादा फेयर और ग्लोइंग बनाएगी, साथ ही आपकी स्किन पर से स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, सनटैन और पिगमेंटेशन को रिमूव कर आपकी स्किन टोन को इवन बनाएगी। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखाई देने लगेगी। तो आप भी सोप को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।